जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं, महंगाई बढ़ी, होम लोन, कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की खबर। तो सवाल ये उठता है कि क्या होम लोन कार लोन की ईएमआई में महंगाई बढ़ने से बढ़ोतरी होगी? आइए इस पर चर्चा करें। सबसे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि महंगाई के मापने का एक सरकारी पैमाना है, जैसा कि आप सब जानते हैं। भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति जून में बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर 4.81% पर पहुंच गई, ठीक है ना। जून की तिमाही की आपकी सीपीआई की डाटा आ गई है, जो कि 4.81% पर पहुंच गई है जून तिमाही की, ठीक है। टमाटर तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में खूब बढ़ोतरी हुई है। ये मान लीजिए कि कीमतें आसमान छू रही, आम जनता त्रस्त है। ऐसे में एक बार फिर रेपो रेट बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए कर्ज लेने की लागत स्थिर बनी रहेगी, ठीक है। अभी इस पर एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, 8 और 10 अगस्त को आरबीआई गवर्नर की 6 सदस्यीय बैठक होनी है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली अनुमान या अंदर से जो खबर छल करके आ रही है वो ये आ रही है कि इंटरेस्ट रेट में कोई इंक्रीज नहीं होगा। पर दूसरा, रिवर्स रेपो रेट में कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो ये एक राहत की खबर है। अब देखते हैं 8 से 10 तारीख की जो 6 सदस्यीय आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, उस पर क्या स्टेप लिया जाता है वो आपको अपडेट करेंगे। महंगाई से निपटने के लिए जो भी नुस्खे हैं आप लोग मिल करके अपनाइए, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखिए।